अंदर मत डालो जो चल रही बाबा की। बोले काटू नरेश की जय हो, श्याम प्यारे की जय हो, बोल मोर मोर बंसी वाले की जय हो, लीले के स्वार की जय हो, निर्माण धारे की जय हो, दातार की मत करी जो किसी बड़ी कोई जो चाल रही बाबा की। बोले लखदातार की जय हो, तिलक कर दियो लाओ। महाराज बालाजी के जिंदा पर जय श्री राम की जय हो, बोले राज बचाने वाले की जय हो। पानी कट उतरू छत बरू आ रहे हो से बंद नहीं है काम पर ऊपर बंद नहीं है काम तो मेरे ख्याल से आप बड़ा फासला बना बेटा दे बाबा है। आज बाबा आया है यहाँ पे अभी क्या प्रोग्राम मनाता है बाबा रोजाना जिसको भी समय मिले धूप बत्ती और दीपक जलाना आरंभ करो। अगले जगह उसकी है तो यहाँ मोर लग गया भाई ये काम कर दो। अब हमारे बंदे जो बन रहा है हमारे नियम है बिल्कुल फिक्स वहाँ वो जगह हमने छोड़ रखी है तो हमने तो नीचे से कुंभ शिला जो है ना उसपे से ही वहाँ भी लोगों को काम हो रहे हैं तो यहाँ भी जो भी अरदास लगाएगा उसके काम हो अच्छा है बाबा का। श्री श्याम आराधन अखंड जो दर्शन रथ यात्रा आज लाडनू निर्माणाधीन श्याम मंदिर पे पहुंची और यहाँ के प्रेमियों ने बाबा का भव्य स्वागत किया। हम सभी के बहुत बहुत धन्यवादी हैं, सबको धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। ये बाबा की यात्रा खाटू धाम से कन्याकुमारी बाबा की जोत जा रही है और आज स्वागत के श्रृंखला में लाडनू के श्याम प्रेमियों ने बाबा को रोका और बाबा का स्वागत किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। लाडनू में विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा है उस पर क्या करेंगे? इसकी तो कोई प्रतिक्रिया दे नहीं सकता। बाबा का मंदिर बन रहा है, हमारे लिए एक नया घर बन रहा है। हर श्याम प्रेमी का एक घर है बाबा का मंदिर, कोई पराया नहीं है, बाबा हमारा है। बहुत अच्छी मुझे बात लगी कि यहाँ मंदिर का निर्माण हो रहा है और ज्यादा से ज्यादा बाबा के मंदिर बने क्योंकि कलयुग में बाबा का पूजने का विधान है, भगवान श्री कृष्ण का वरदान है। तो यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द मंदिर बने और जल्द से जल्द बाबा यहाँ आकर विराजमान। जय श्री श्याम। ये बाबा के निर्माणाधीन मंदिर में ये समझ लो कि हमारे जो प्रारब्ध थे बाबा ने आशीर्वाद के रूप में हमें दिया है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए पूरी टीम के लिए बड़े गौरव की बात है कि श्याम सेवा समिति जो ये मंदिर निर्माण कार्य करवा रही है तो ये असीम बाबा का हमारे ऊपर एक ऐसा आशीर्वाद है जिस आशीर्वाद की हम शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकते कि बाबा की ऐसी कृपा हम सब पे बनी है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्रारब्ध हमारे पूरी टीम के ऐसे प्रारब्ध किए हुए हैं तो उसकी वजह से आज हमें ये मंदिर निर्माण का कार्य बाबा ने सौंपा है
तो जल्द से जल्द ये बाबा का मंदिर निर्माण अपने लाडनों में हो जाए और उसके बाद में सभी श्याम भक्त मिलकर इस बाबा के मंदिर में आए और बाबा का कीर्तन करे और आनंद ले बाबा का। आज बाबा के दरबार आप खुद चला के मंदिर में पता नहीं उसके बारे में क्या कहें? मैं नहीं आया हूँ क्योंकि बाबा खुद चल के यहाँ आया। हाँ, बाबा आपके दरबार में पहुंचे हैं। हाँ, बाबा हमारे दरबार में पहुंचे ना, ये समझ लो कि बाबा ने कहीं ना कहीं हमें ये मैसेज दिया है कि अब बहुत कम समय है, मैं जल्द से जल्द यहाँ पर बैठने वाला हूँ। जिस हिसाब से बाबा ने ये हमें संदेश दिया है, खुद चलकर बाबा यहाँ है, तो उससे लग रहा है कि बाबा जल्द से जल्द यहाँ विराजमान हो जाएंगे और ये बाबा की हमारे ऊपर एक असीम कृपा बनी है कि आज खुद चलकर हमारे बीच में आए हैं। जय श्री श्याम। सभी श्याम भक्तों को ये जानकर खुशी होगी कि बाबा श्याम की जो अखंड ज्योति यात्रा है वो खाटू श्याम से चलकर पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कर रही है। आज हमारे लाडनू बाबा श्याम के निर्माणाधीन मंदिर में पहुंची है, इसका भव्य स्वागत किया गया है और ये हमारा सौभाग्य है कि बाबा श्याम की जो ये अखंड ज्योत हमारे बीच आई है। इससे ये संदेश मिल रहा है कि बाबा श्याम फागुन से आने वाले फागुन से पहले पहले बाबा श्याम यहाँ विराजमान होंगे और पूरी श्याम सेवा समिति की तरफ से मैं ये आभार प्रकट करता हूँ सभी श्याम भक्तों का कि उन्होंने यहाँ बाबा श्याम के अखंड ज्योत का भव्य स्वागत किया है और यहाँ इकट्ठा होकर बाबा श्याम का जो स्वागत किया है उसके लिए मैं पूरी टीम की तरफ से आभार प्रकट करता हूँ। जय श्री श्याम।